दोस्तों विकास मिल गया मुझे। इनका चैनल का नाम एंड्रो गुरु जी है और मैं आया था एक इवेंट में। अपने आपको पता होगा कि मैं दूसरे चैनल में बताऊंगा कहाँ पे आया था। मैं इस फोन के बारे में उनसे कुछ राय लेना चाहता था भाई। काफी टाइम से कस्टम रोम भी यूज कर रहे हैं, तो बताओ विकास यार ये कैसा लग रहा है फोन आपको जो कर्व डिस्प्ले वाला आया है रियलमी का? तो भाई फोन तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मतलब रियलमी ने इस सेगमेंट के अंदर ये वाला फोन, मैं काफी टाइम से, मैं ना खुद पर्सनली कर्व फोन जो है पसंद करता हूँ, ठीक है। काफी टाइम से मेरा प्लान था, लेकिन आपको पता होगा वीवो का भी एक फोन आता है जो कि 30-35 हज़ार या 40 हज़ार के आसपास का फोन है ना। तो उस रेंज के ऊपर जाना पड़ रहा था सिर्फ कर्व डिस्प्ले के लिए। बीस से 25 हज़ार की रेंज में कुछ इस तरीके का फोन लेकर के आना दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। रियलमी ने काफी अच्छा ये काम किया है। फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ है जो कि हमें 25 हज़ार नीचे देखने को मिला और हम तो इंतजार कर रहे थे भाई। आपको पता होगा कि सैमसंग में भी बहुत सारे फोन जो कि आपको कर्व डिस्प्ले वाला मिलता है। हाँ, लेकिन वो पहले आया करते थे सर, अब नहीं आता। 9 और 10 में देखा था हमने वो। मेन फोकस है कर्व डिस्प्ले। कर्व डिस्प्ले क्वालिटी इतना मक्खन है, खुद ही बंदा पकड़ रखा है मुझे, आप वो भी बताएगा। अरे मैंने इनको खुद बोला व्हाट्सएप पे कि उस फोन को लेकर के आना, इसने रिक्वेस्ट किया था। तो अभी मैं इसके अंदर सिम भी नहीं लगाया हूँ। जो भी इसको फर्स्ट टाइम देखेगा ना वो कहेगा यार कम से कम 40-50 हज़ार का फोन तो है। बाकी मैं भी प्लान कर रहा हूँ इसी फोन को लेने के लिए, रियलमी 10 प्रो प्लस। मैं इसके ऊपर और भी थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर कर पाऊंगा जब इसके अंदर अपना पर्सनल सिम डाल के यूज करूंगा और आपको भी डे टू डे लाइफ में ट्विटर पे मैसेज करता रहूंगा, भाई इसके अंदर ये फीचर्स अच्छा है, इसके अंदर ये फीचर्स आप ऑफ कर सकते हो, सब कुछ पता चली जाएगा। बाकी विकास को आप फॉलो कर सकते हो, ये भी ट्विटर पे एक्टिव है और इसका यूट्यूब चैनल है। बताओ भाई अपने चैनल के बारे में। मेरा चैनल दोस्तों बेसिकली कस्टम रोम के ऊपर है वैसे फिलहाल अभी, लेकिन उसको मैं शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। तो आप लोग भी सब्सक्राइब करो और देखो भाई नई नई चीजें उसके ऊपर आने वाली है। एक फिर से एक बूस्टर उसमें मिलेगा आपको। रेडमी के फोन यूज कर रहे हो ना, कस्टम रोम के बारे में भाई फाड़ देगा। बहुत जबरदस्त वीडियो है, मुझे याद है कि मैं भी इसी स्टेज पे देख आया हूँ। मैं पहले भी बहुत सारे कस्टम रोम वीडियो बनाया था, बट अब थोड़ा सा मना नहीं, मन नहीं करता उसको लाने के लिए। मैं चलो विकास बना रहा तो मैं इसलिए बंद कर दिया। अभी इसको कस्टम रोम देखना है तो इसके चैनल पे जाके देख सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे कस्टम रोम देखने को मिलता। बाकी रियलमी का ये वाला फोन भाई अभी 25 हज़ार की रेंज में काफी ज्यादा बेस्ट चॉइस रहेगी उन लोगों के लिए जिनको कर्व डिस्प्ले चाहिए। 108 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, 108 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर काफी जबरदस्त है। और इसका जो मेन सेंसर है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, वीडियो क्वालिटी के लिए हो चाहे फिर वो फोटोज लेने के लिए यूज करें, काफी अच्छा इसका कैमरा भी हमें देखने को मिलता है। 4K रिकॉर्डिंग जबरदस्त होता है। मैं इसका और भी एक्सप्लोर 4K 60 FPS के साथ मिलता है शायद इसमें। नहीं, 30 FPS हो सकता है। आने वाले टाइम पे जरूर रियलमी को इनेबल करना चाहिए इसके अंदर 4K 60 FPS। नहीं करेगा तो हड़ताल कर लेंगे। कैपेबिलिटीज भी तो जरूरी है ना, इसकी फोन की जो कैपेबिलिटीज है उसका, सेंसर की जो कैपेबिलिटीज है उसका यूज तो करना चाहिए कम से कम। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और आप ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना। ट्विटर का लिंक यहाँ पे शो कर रहा होगा नीचे और वहाँ पे मैं इस फोन के ऊपर अप टू डेट देता रहूंगा कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, है ना। ठीक, बस साइन आउट करते हैं। साइन आउट मिलेगा नेवड़ साहब, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।